नमस्ते फ्रेंड, मेरा नाम लक्ष्मीकांत है और मैं एक एनजीओ कंसल्टेंट हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर, हमें सीएसआर 1 में रजिस्ट्रेशन करना है, हमने सारा फॉर्म भर के रखा है, लेकिन हमें अपलोड कहाँ करना है और कैसे करना है वो पता नहीं है। तो आपको क्या करना है, गूगल में सर्च करना है MCA। क्या सर्च करना है? MCA GOV। ओके, ये सर्च करना है आपको। आप सर्च करने के बाद देखिए ये वेबसाइट आ जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की। ठीक है, आपको क्या सर्च करना है? MCA.gov.in। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी पासवर्ड लगेगा। यूज़र आईडी पासवर्ड आप क्रिएट कीजिए। ठीक है, ये कैसे करना है क्रिएट, देखिए यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया है कि ऑलरेडी करके रखा है हमने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे साइन इन में। साइन इन में आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे जो लिखा है ये लॉग इन फॉर V2 फाइलिंग, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लॉग इन करके अपलोड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र आईडी डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा कोड डाल देने के बाद हम यहाँ पे साइन इन करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अपलोड ई फॉर्म्स का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जाने के बाद जहाँ पे भी आपने वो फॉर्म रखा है CSR1 का, सारी इन्फॉर्मेशन भर के वो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, नॉर्मल फॉर्म्स का, रिसबमिशन का। आपको नॉर्मल फॉर्म सेलेक्ट करना है, ये हमने सेलेक्ट किया। ये ब्राउज़ करना है यहाँ पे। ओके, ये हमने ब्राउज़ कर लिया। यहाँ पे ब्राउज़ करने के बाद हमने जहाँ पे रखा है वहाँ से क्या करेंगे, वो फॉर्म हम ले लेंगे CSR1 का। ये हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे अपलोड करेंगे। ओके, अपलोड करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कन्फर्म का। ठीक है, आपको एक चालान जनरेट हो जाएगा, सक्सेसफुल का मैसेज आएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुल का यहाँ पे एक मैसेज आया हुआ है। जैसे ही आप इसको फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद यहाँ पे चालान जनरेट होगा जिसे हम रिसिप्ट कहते हैं। ये रिसिप्ट आपको सेव करके रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर किसी कारणवश अगर सर्टिफिकेट नहीं आया तो इस चालान का यूज़ करके आप डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये CSR चालान के नाम से हमने क्या किया, ये सेव किया है। अब ये तो फॉर्म तो अपलोड किया हमने, अब सर्टिफिकेट कब और कहाँ पर आएगा, तो इस फॉर्म के अंदर जो भी ईमेल आईडी आपने डाली है उस ईमेल आईडी पर ये सर्टिफिकेट आएगा। ये तो हो गया ख़त्म। अब कब आएगा, जैसे ही आप ये फॉर्म सबमिट करते हैं 5 मिनट के अंदर क्या हो जाता है, ये आपको ईमेल आईडी पर सर्टिफिकेट आता है। हम क्रॉस चेक करेंगे कि क्या हमें अभी सबमिट करते 1 मिनट ही हुआ है, फिर भी हम चेक करेंगे कि ईमेल पे सर्टिफिकेट आया है या नहीं आया है। ठीक है, अपडेट में चेक करता हूँ मैं, यहाँ पे 5 से 10 मिनट का समय ये ले लेता है। 5 से 10 मिनट के अंदर नहीं आया तो फिर दिक्कत की बात है। तो देखिए हमें यहाँ पे एक मेल आया है, यहाँ पे MCA 21 एडमिनिस्ट्रेटर के। ठीक है, अप्रूवल का मेल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे अप्रूवल लेटर है। अप्रूवल लेटर मतलब वही सर्टिफिकेट यहाँ पे इस मेल के अंदर अटैच है। इसका मतलब विथ इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर हमें ये सर्टिफिकेट आया है। अगर किसी कारणवश लेट हुआ किसी भी रीज़न से तो 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो एक दिन आप वेट कीजिए, 1-2 दिन, और उसके बाद MCA साइट के ऊपर आपको क्वेरी डालनी पड़ेगी। अगर नहीं आता है तो, आता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, नहीं आया तो कैसे क्वेरी डालते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बारे में आपको कोई भी डाउट्स है, कुछ टेक्निकल हेल्प चाहिए या फिर ये रजिस्ट्रेशन आप हमसे करवाना चाहते हैं तो ये भी हम करके देते हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और फीस की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप भी डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छी तरह से स्कैन करके हमें क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ तो जानकारी मिली है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग जानकारी के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।